everyone, my name is Neha and today in this video I'm going to teach you a few kitchen vocabulary words that can be used in your day-to-day life. Now before starting the video, let me tell you the motive behind these videos. As we all know that due to the sudden outbreak of pandemic coronavirus, the government has ordered all the schools to be closed for a while. Now we also agree with this decision of government as it is for our safety only, but the school authorities and we teachers were really concerned about this bracket of 10 to 15 days that how your studies will be compensated. So just to fill this gap, we have decided to give you video lectures now through this portal. So let's start with the first video lecture of the day. The first word of the day is hing. Hing ek aisa spice hai jo har kitchen mein use hota hai. Har mom har sabji mein se use karti hai. बट हम इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओके, थिंक अबाउट इट. एंड द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वर्ड हींग इज एसेफटीडा. आई रिपीट वंस अगेन, एसेफटीडा. नाउ द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज सौंफ. काफी लोग चाय में भी डालते हैं, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? Sauf is called aniseed in English, A-N-I-S-E-E-D. Aniseed ke alawa, hum sauf ko fennel bhi kehte hain, F-E-N-N-E-L. I repeat once again, aniseed and fennel. Alright, the third word of the day is tulsi. Again, kaafi log chai mein dal ke bhi peete hain and above all, तुलसी हम लोगों के लिए एक बहुत ही पायस और स्पिरिचुअल प्लांट भी माना जाता है. इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तुलसी को या तुलसी के बीज को हम इंग्लिश में बेजल सीड्स कहते हैं और तुलसी को हम इंग्लिश में बेजल कहते हैं, बी ए एस आई एल, बेजल. नाउ द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज तेज पत्ता. खाना बनता है हर किचन में, कोई भी अच्छी सब्जी बनती है, मम्मी मसालों के नाम पर तेज पत्ता जरूर डालती हैं. तेज पत्ता को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तेज पत्ता को हम इंग्लिश में बे लीव्स कहते हैं, बी ए वाई, बे लीफ, एल ई ए एफ, बे लीफ. नाउ द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द लिस्ट इज काली मिर्च. काली मिर्च को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? काली मिर्च को हम इंग्लिश में ब्लैक पेपर कहते हैं, ब्लैक पेपर, बी एल ए सी के, ब्लैक, एंड पेपर इज पी ई पी पी ई आर, ब्लैक पेपर. नाउ द नेक्स्ट इन द रो इज इलायची. काफी कॉमन है, सब लोग जानते हैं इलायची के बारे में. जो बच्चे किचन में नहीं भी घुसते, दे ऑल्सो नो अबाउट दिस स्पाइस, इलायची चाय में डाल के पीते हैं. इलायची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये तो सब बच्चे को पता होना चाहिए. इलायची को हम इंग्लिश में कार्डमम कहते हैं. आई रिपीट वंस अगेन, कार्डमम, सी ए आर डी ए एम ओ एम, कार्डमम. नाउ द नेक्स्ट इन द रो इज अजवाइन. काफी लोग, बच्चों को मम्मी अजवाइन खिलाती होंगी नमक में डाल के. क्या कहते हैं अजवाइन को हम इंग्लिश में? अजवाइन इन इंग्लिश वी कॉल अजवाइन कैरम सीड्स, सी ए आर ओ एम एस ई ई डी, कैरम सीड. या हम अजवाइन को सेलरी भी कहते हैं, सी ई एल ई आर वाई. एक वर्ड और सीखेंगे अजवाइन के लिए, दैट इज पार्सली, पी ए आर एस एल ई वाई. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज थायमोल, टी एच वाई एम ओ एल. आई रिपीट वंस अगेन, कैरम सीड्स, सेलरी, पार्सली एंड थायमोल, दीज फोर वर्ड्स आर यूज्ड फॉर अजवाइन. नेक्स्ट इन द रो इज दालचीनी. Again, it's a very frequently used spice in almost all the kitchens of Indian households. So, dalchini ko hum English mein kya kehte hain? Dalchini ko hum English mein cinnamon kehte hain. And the next word of the series is long. Kaafi bachcho ne news mat dekhi hogi, aajkal Colgate mein bhi likha hua aata hai long. Usme niche English mein long ke liye word likha hota hai. Aapne dhyan diya? Nahin diya. इंग्लिश में लॉन्ग को क्या कहते हैं? इंग्लिश में लॉन्ग को क्लोव कहते हैं. अब आपको याद आया, कोलगेट में आजकल लिखा हुआ होता है क्लोव, विद क्लोव. सो क्लोव इज लॉन्ग. नाउ द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द सीरीज इज जीरा. ये तो सबको पता होना चाहिए,
हर सब्जी में डलता है एंड अगेन इट्स अ वेरी फ्रीक्वेंट स्पाइस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द किचन्स. क्या जीरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीरे को इंग्लिश में क्यूमिन कहते हैं, CUMIN, क्यूमिन. या हम क्यूमिन सीड्स भी कह देते हैं, दे बोथ मीन द सेम. एक वर्ड और हम जीरा के लिए यूज करते हैं, दैट इज कैरोवे. आई रिपीट वंस अगेन, कैरोवे, CARAWAY, कैरोवे. सो हम जीरा के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं? वन इज क्यूमिन एंड दे कैन ऑल्सो बी सेड क्यूमिन सीड्स एंड द नेक्स्ट इज कैरोवे. सो लेट हैव लर्नड 10 वर्ड्स दैट आर जनरली यूज इन ऑलमोस्ट ऑल द किचन्स. So let's have a quick recapitulation of all the words so that you can revise it here and now. The first word was hing. Hing ko English mein kya kehte the? Yes, asafoetida. Next was sauf. Sauf ko English mein kya kehte the? Aniseed, fennel. Third was tulsi. Tulsi was basil. Next was tejpatta. Tejpatta ko English mein kya kehte hain? Bay leaf. Very good. Kali mirch ko English mein kya kehte hain? Black pepper. नेक्स्ट वॉज इलायची. इलायची को आप बताइए इंग्लिश में क्या कहते हैं? यस, कार्डमम. एब्सोल्यूटली राइट. नेक्स्ट इज अजवाइन. अजवाइन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैरम सीड्स, सेलरी. नेक्स्ट वॉज पार्सले एंड थाइमोल. नेक्स्ट इज दालचीनी. दालचीनी को इंग्लिश में क्या कहते थे? सिनेमन. एंड नेक्स्ट इन द रो इज लौंग. लौंग को अभी हमने याद किया था, कोलगेट पे लिखा होता है क्लोव. Absolutely right. And last but not the least, jeera. Jeera ko hum English mein cumin or cumin seeds and caraway. Thank you guys and keep watching videos and keep learning. And before winding up, I would like to request you all to write all these words on a piece of a paper, make some slips and paste those slips on the boxes that are being kept in your kitchen so that your mothers and your grandmothers, everybody associated with you in your family can also learn these words. This way you can become the teachers of your parents. Thank you and keep watching.